आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पर। हरियाणा और पंजाब में नए गेहूं की आवक अप्रैल के पहले सप्ताह में बढ़ेगी। व्यापारियों के अनुसार यूक्रेन के साथ जंग लंबी चली तो फिर ब्लैक सी रीजन से गेहूं का निर्यात प्रभावित होगा, इसलिए कई आयातक देश भारतीय आयात कर सकते हैं। गेहूं निर्यात के मामले में रूस दुनिया का सबसे बड़ा और यूक्रेन तीसरा गेहूं निर्यातक देश है। फसल सीजन 2021-22 के दौरान रूस से 3.5 करोड़ टन तथा यूक्रेन से 2.4 करोड़ टन गेहूं का निर्यात का अनुमान था, लेकिन इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से आपूर्ति बाधित हुई है, जिस कारण घरेलू बाजार में गेहूं के भाव में नई फसल की आवकों से पहले ही तेजी बन गई है। भारत गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक है। मौजूदा समय में भारत के पास गेहूं की उपलब्धता भी पर्याप्त है तथा आने वाली फसल का उत्पादन अनुमान भी ज्यादा है, जो कि निर्यात बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। व्यापारियों के अनुसार इस साल देश से लगभग 70 लाख टन गेहूं का निर्यात होने का अनुमान है, जिसमें से दिसंबर तक 50 लाख टन से ज्यादा का निर्यात भी हो चुका है। 1 फरवरी को केंद्रीय पूल में 282.73 लाख टन गेहूं का स्टॉक है, जो कि तय मानकों बफर के मुकाबले ज्यादा है। चालू रबी सीजन में देश में गेहूं का उत्पादन बढ़कर 11.32 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले रबी में इसका उत्पादन 10.95 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। केंद्र सरकार के फूड सेक्रेटरी ने बताया कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के कारण वैश्विक कीमतों में उछाल के बाद भारत से गेहूं के निर्यात में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि देश से होने वाला कुल गेहूं का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अब तक 66 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है। ये आंकड़ा बीते फरवरी के अंत में ही हुआ आ चुका था। साथ ही केंद्र सरकार के फूड सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि यह भारतीय निर्यातकों के लिए एक अवसर है, क्योंकि गेहूं के अन्य वैश्विक उत्पादकों की तुलना में देश में गेहूं की नई फसल 15 मार्च से उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए इस समय जो वैश्विक बाजार में गेहूं की जो रिक्वित है उसे भारत भर सकता है। उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन मिलकर वैश्विक गेहूं आपूर्ति के लगभग 1/4 हिस्से का निर्यात करते हैं। उनकी गेहूं की फसल इस साल अगस्त और सितंबर में पकेगी। कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं और 24,000 से 25,000 रुपये प्रति टन के दायरे में ये चल रही है। केंद्र सरकार के फूड सेक्रेटरी ने बताया कि अब गेहूं का निर्यात वित्त वर्ष 2012-13 में हासिल किए गए 65 लाख टन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी भी एक महीना बाकी है, इस साल लगभग 70 लाख टन से अधिक निर्यात की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों को और निर्यात के लिए अच्छी खबर है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2021-22 यानी कि जुलाई जून में 11.13 करोड़ लाख टन के नए रिकॉर्ड को छूने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष में यह उत्पादन 10.95 करोड़ लाख टन था। रबी की मुख्य फसल गेहूं 15 मार्च से बाजार में आने लगेगी। देश भर के सरकारी गोदाम में गेहूं का सरप्लस भंडार भी है। तो ये थी बात गेहूं के अनुमान की, कि देश से लगभग 70 लाख टन गेहूं का निर्यात का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। तो और ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।